सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजा का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टेक्नोलॉजी के एक और फ्रेश वीडियो में और लेके आए आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे जियो के फोन के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो के जो फोन है उसके दो वेरिएंट आने वाले हैं। अब उसमें अलग अलग वेरिएंट होने वाले हैं। क्वालकॉम ने यहाँ पे कुछ ट्वीट करे थे तो अब हो सकता है क्वालकॉम भी उसके अंदर आ सकता है, तो दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो जो प्राइस है वो हो सकती है लगभग 499 भी। अगर सिक्योरिटी पे ही हमें लेना है तो 499 का भी तो ले सकते हैं। तो ये एक अपडेट था। और व्हाट्सएप उसके अंदर फिलहाल बताया कुछ भी गया नहीं है क्योंकि लगभग जियो ने 20 करोड़ डिवाइसेस का ऑर्डर दे चुका है जियो। तो देखते हैं भाई, अगर व्हाट्सएप आ जाए तो व्हाट्सएप का ही फायदा है। अगली अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 4 के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि वो जैसे कि ब्लास्ट हो चुका था बेंगलोर के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, पीछे से पूरा बैटरी फट चुकी है उसकी। अब यहाँ पे Xiaomi ने उसे फोन रिप्लेस करके दे चुका है Xiaomi। तो भाई अगर कुछ और ऐसे फोन्स के साथ ऐसा होता है तो भाई Xiaomi के लिए डरने की बात है, क्योंकि अगर कुछ और ऐसे फोन्स के साथ ऐसा होता है तो फिर Xiaomi तक कुछ ज़्यादा चलेगा नहीं। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे ब्लैकबेरी के लिए। यहाँ पे ब्लैकबेरी का उसका जो की वन है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है 1 अगस्त को। यहाँ पे तारीख कंफर्म हो चुकी है तो लॉन्च हो जाएगा ये। आप इमेज देख लो, आपको इमेज दिख ही रही होगी। यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ऊपर की साइड आपको एक सिल्वर कलर की टॉप दिख रही है। कैमरा जो वो बहुत बिग दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 LED फ्लैश लाइट दिख रही होगी। और जो बेजल से वो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये इसमें आपको मिलते हैं की पैड्स, आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो ये की पैड्स वाला है इसके लिए, इसको की वन बोला गया है। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे YouTube के लिए। YouTube यहाँ पे ट्रैक कर रहा है कुछ वीडियोस को। अगर कुछ लोग जाते हैं वीडियोस के ऊपर तो वो YouTube उनको ट्रैक करेगा। अब वो वीडियोस कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ISI के जो वीडियोस हैं उनको YouTube ट्रैक कर रहा है कि वीडियोस कहाँ से आते हैं, कौन इन्हें अपलोड करता है, ताकि बाद में कुछ मदद मिल सके अगर कुछ ऐसे गुनाह होते हैं तो। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पर लेनोवो के K7 नोट के लिए। यहाँ पे वो इंडिया के अंदर लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पे एक टेजर आया है लेनोवो की तरफ से, तो आप देख लो, आपको टेजर दिख रहा होगा या फिर शायद नहीं दिखे। फोन इतना ज्यादा खुद में खास लग नहीं रहा है। यहाँ पे लिख दिया इन्होंने # किलर नोट, लेनोवो का लोगो दिख रहा है, फोन यहाँ पे ढंग से दिख नहीं रहा है, इसके लिए कुछ बता नहीं सकते हैं। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे Nokia 8 के लिए। Nokia 8 है वो ग्लोबली लंदन इवेंट में यहाँ पे लॉन्च होने वाला था 1 अगस्त को, तो अब वो होगा ग्लोबल इवेंट 1 अगस्त को। यहाँ पे डेट कंफर्म हो गई है 1 अगस्त, तो एक्सपेक्टेड होगा ये लंदन के अंदर ग्लोबली लॉन्च है ये। तो देखते हैं कि Nokia 8 भी के साथ है, और ये डिज़ाइन है वो मेरे ख्याल से कंफर्म ही हो गया है क्योंकि अब जो भी लीक आ रहे हैं वो इसी डिज़ाइन के साथ में आ रहे हैं। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पर आईफोन के iOS 11 के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किसी के भी वाईफाई से ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकता है। अगर वो सपोर्टेड पब्लिक वाईफाई है तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको जाके इतनी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े होगी। जैसे कि आपको इमेजेस दिख ही रही होगी, तो आपको इसमें बहुत सारे वाईफाई दिख रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट के अंदर, तो बहुत से यहाँ पे लॉक भी दिख रहे हैं और कुछ अनलॉक भी हैं, तो आप डायरेक्ट जाके उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे Moto Z2 Force के लिए। भाई मोटरोला ने तो लगा के रखा कि बस इमेजेस पे इमेजेस आने वाले हैं, और अब देख लो आप इमेज दिख रही होगी क्योंकि मोटरोला पता नहीं अब क्या कर रहा है। उसके हर जो फोन्स आ रहे हैं वो बस एक ही डिज़ाइन में आने वाले हैं, नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर, पीछे मोटो मोड्स के लिए, और जो कैमरा का है वो गोल सर्कल में डुअल कैमरा दिख रहे होंगे आपको। स्लिम मोबाइल है भाई मोटरोला, भी इसके पीछे पड़ा हुआ है बस लेनोवो तो लगा रखी है, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अगली अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पर Xiaomi A1 Plus के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है भाई ये लॉन्च ना करो तो बड़ा होगा आपका। हाथ जोड़ते हैं भाई आपसे, A1 सेल्फी मतलब के फ़ोन तो है नहीं,
डुअल कैमरा है, पीछे एक वो दे रखे फिंगरप्रिंट सेंसर ने, प्राइस और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए, इनके भी लीक होते हैं। वाह, प्राइस की बात करिए 26,999 रुपये प्राइस है। सेल्फी ले लो बस 20 मेगापिक्सल कैमरे में, 4,550 mAh की बैटरी मिलती है आपको इसके अंदर। तो भाई 4 GB की रैम है, 64 GB का वेरियंट है, मत लॉन्च करो यार प्लीज। भाई अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पर जियो की तरफ से। यहाँ बताया जा रहा है कि जियो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट नेट सिग्नल नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि वो जो फास्टेस्ट सिग्नल है वो है यहाँ पर एयरटेल। तो भाई ट्राई कहता है कि जियो है और यहाँ पे पता चल रहा है कि एयरटेल है। तो भाई आप मेरे को बताओ आपको कौन सा ज़्यादा फास्टर लगता है, एयरटेल या जियो, नीचे कमेंट्स में। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जैसा कि आप सभी को, आप भी यूज़ करते होंगे शायद जो पेंट ब्रश होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपने भी शायद उसको यूज़ करा होगा। पर अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट उसे हटाने वाला है उसके अंदर से, तो देखते हैं कि अब ये क्या होता है। आप बताइए आप यूज़ करते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट के इन सब पेंट वाले, आपको भी यूज़ करते होंगे, आपने भी यूज़ करे होंगे बहुत सी बार, तो देखते हैं इनमें क्या हुआ होगा। अगले अपडेट की बात करी जाए नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजा का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टेक्नोलॉजी के एक और फ्रेश वीडियो में, और लेके आए आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे जियो के फोन के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जियो के जो फोन है उसके दो वेरियंट आने वाले हैं, अब उसमें अलग अलग वेरियंट होने वाले हैं। क्वालकॉम ने यहाँ पे कुछ ट्वीट्स करे थे, तो अब हो सकता है क्वालकॉम भी उसके अंदर आ सकता है, तो दो वेरियंट हो सकते हैं। तो जो प्राइस है वो हो सकती है लगभग 499 भी, अगर सिक्योरिटी पैच ही हमें लेना है तो 499 का भी तो ले सकते हैं। तो ये एक अपडेट था, और व्हाट्सएप उसके अंदर फिलहाल बता